गुड इवनिंग एवरीवन और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। आज मेरा प्लान था कि मैं सुबह से अपने व्लॉग को स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि सुबह से वो ब्रांड का प्रोमो पार्ट सब शूट कर रहा था और उन सबको शूट करके एडिट करके भेजने में ही सारा टाइम निकल गया। फिलहाल अभी मुझे टाइम मिला है तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर से। तो हाँ, अभी मैं जाऊंगा सबसे पहले पापा दादा को रिसीव करने के लिए और आज मैं अपना वो जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है ना वो भी यूज करके देखूंगा कि कैसा होता है। अभी तक तो मैंने उसको घर पे यूज किया है, घर पे तो ठीक ही था, लेकिन हाँ बाहर एक बार देखूंगा मैं कि बाहर उसका ऑडियो कैसा है वीडियो। फिलहाल अब ये काम करते हैं, जल्दी से निकलते हैं नहीं तो फिर बाहर डार्क हो जाएगा तो उतना मजा नहीं आएगा। सबसे पहले तो भैया अपने हेलमेट को निकाल लेता हूं मैं। देखो ये मेरा हेलमेट का मस्त जगह बना हुआ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कैमरा वगैरह सेट नहीं है, इसमें कैमरा मैं सेट करूंगा अभी। हाँ जी, तो ये मेरा जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है हो चुका है रेडी है। तो बड़ा ये तामझाम वाला चीज, लेकिन और वैसे आप में से काफी लोग बोल रहे थे कि मोहित भाई आपका ये जो हेलमेट है ना बहुत टाइट है, तो ये टाइट नहीं है, इतना ही होना चाहिए अगर आप हेलमेट ले रहे हो तो। अगर मैं इससे ज्यादा ढीला लूंगा ना तो अगर इनकेस अगर कुछ होता है तो हेलमेट मेरे सर से बाहर आ जाएगा, इसलिए उतना भी ढीला नहीं लेना है। ठीक है, ये जो है परफेक्ट है। अब पता नहीं मेरा कैमरा का एंगल सही है कि नहीं है, वो एक दो बार मैं ब्लॉक करूंगा तो मुझे आइडिया लग जाएगा। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा दिख रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है ये? अभी जाता है, देखते हैं रोड में ये कैसा काम करता है। जब मेरे स्कूटी चलेगा, जो विंड नॉइज आएगा, उसके बाद देखते हैं इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आता है, वीडियो कैसा आता है। अभी टाइम देख लो, वैसे 4 बज चुका है, इसको रखते हैं अंदर। ठीक है मम्मी, आते हैं। मैं अपने इस वाले हेलमेट को भी रख लेता हूँ क्योंकि इसको तो मैं अभी ज्यादा देर सिटी में पहनने वाला नहीं हूँ, ये तो बस सेटअप के लिए रख रहा हूँ मैं। आज पास में ही जाना है तो स्लीपर पहन लेता हूँ मैं। मोटो ब्लॉगिंग के चक्कर में मैं की भूल गया अपना। होप कि मेरा ऑडियो वगैरह सब कुछ क्लियर आ रहा हो, ऐसा ना हो कि पोपट हो जाए मेरा। मैं की भूल गया था। खुल जा सिम सिम, खुल जा भाई, खुल। भाई साहब बाहर तो अभी अच्छा खासा धूप है, मेरे को लग रहा था कि अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, लेकिन बाहर तो अच्छा खासा धूप है। पहले तो सीट ओपन करते हैं, ये वाले हेलमेट को पहले रखते हैं अच्छे से, एक बार वापस से चेक कर लेता हूँ सब कुछ है ना। फ़ोन है और देख लो मेरा 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया है और अभी ऑयल का ये साइन क्यों आ रहा है पता नहीं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं अभी। जय माता दी। हाँ जी, तो अभी मैं निकल गया हूँ अपने घर से और होप कि आपको मेरा ऑडियो क्लियर आ रहा हो अभी। और पता नहीं क्यों मैं जोर से बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा ऑडियो नहीं आ रहा होगा। मेरे को टेंशन है मेरा कैमरा एंगल सही है कि नहीं है, वो तो एडिटिंग के टाइम ही मुझे पता चलेगा। गोप्रो का ये एक है, अदरवाइज मैं ऐप के थ्रू भी देख सकता हूँ कि मतलब गोप्रो का एक ऐप भी आता है तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका जो वीडियो है ऑडियो है वो किस टाइप का आ रहा है, एंगल सही है कि नहीं है, लेकिन वो तामझाम वाला काम है। चलो मैं अभी पापाइदा के घर के पास पहुंचने ही वाला हूँ, अभी टाइम है, मुझे पापाइदा को एक बार कॉल कर लेना चाहिए। जैसे काम करता हूँ उनके घर के पास जाके ही मैं कॉल कर लूंगा। भाई साहब बारिश के टाइम में तो ये गली से भूल से भी नहीं, यहाँ जो पानी होता है ना नेक्स्ट लेवल पानी होता है। ओए भाई पापाइदा के घर के पास आ गया हूँ, एक बार पापाइदा को कॉल कर लेता हूँ मैं। आपने सुझो है को कॉल किया? आपके घर के बाहर मेरे? हाँ ठीक है। ओ भाई धुआं पानी सब कुछ। अभी ये जो डॉग्स दिख रहा है आपको, रात में इतना खुखार हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे मैंने अपना क्लास 1 और 2 का पढ़ाई किया था। हम क्या किया मालूम है? हम दूसरा वाला हेलमेट भी अपना लिए है, ये ज्यादा देर तो पहनेंगे नहीं, फिर इसको रख कर वो वाला पहन लेंगे। यहाँ पे एक टाइम में क्या मस्त दुर्गा पूजा होता था ये वाले जगह पे, अभी तो एकदम ही नहीं होता है। जय बजरंगबली। ये हमारे एरिया का फील्ड था एक टाइम में, अभी देखो पूरा ये हो गया, तालाब हो गया। यहाँ पे पीच हुआ करता था, हम लोग खेलते थे तो बना दिया है अभी। हाँ अच्छा, ये नया हुआ है ये तो? अरे तो ऐसे ही नाम लिख दिया है, कुछ काम हुआ ही नहीं ये पहले से। देख लो एक तो रोड ऐसा, ऊपर से स्पीड ब्रेकर भी। आप जब भी अपने घर जाते हो गए लाइक नॉर्थ इंडिया साइड कहीं जा रहे हो गए आप, तो आपका जो ट्रेन है यहीं से जाता होगा। हाँ, ये ट्रेन अभी क्रॉस कर रहा है वही लाइन से रास्ता ही जाता है। हाँ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बेलूर मठ और ये जो जगह है ना मैं बहुत दिनों से दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, यहाँ पे हमारा छठ पूजा भी होता है। चलो अब टाइम आ गया ये वाला हेलमेट को स्विच करने का। वैसे एक बात है, बहुत दिनों बाद में आया हूँ बेलूर मठ। यार इतना ज्यादा भीड़, नेक्स्ट लेवल भीड़ है भाई। देखो इधर देखो पूरा,
अच्छा खासा भीड़ है, पानी की तो वेट दे रहा है। कहीं बारिश हो रहा है। हाँ जी, तो अभी अपने मैं ये गोप्रो से ब्लॉग को शूट कर रहा हूँ मीडिया मोड कनेक्ट करके। पता नहीं मेरा ऑडियो कैसा आ रहा होगा, साथ ऑडियो अच्छा आ रहा होगा। और देख लो बेलूर मठ का भीड़ देख लो भाई साहब। पहले पहले यहाँ पे साइकिल और बाइक रखा जाता था। हाँ, यहाँ पे साइकिल बाइक अभी भी रखा हुआ है लेकिन स्टाफ लोगों का। और यहाँ पे एक म्यूजियम है सामने। एक सेकंड, जब मैं पहले आया था ना तब यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, अभी अलाउ कर दिया है क्या? सब तो ले रहे हैं फोटोज। देखो ये पीछे देखो कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, तो अभी सीन क्या हुआ, मैं बेलूर मठ के अंदर था, अपना फुटेज वगैरह चेक कर रहा था कि पता नहीं कैसा आया है जो मैंने मोटो ब्लॉग करा है। जैसा कि मैंने बताया था ना, एक गोप्रो का ऐप आता है क्या, गोप्रो क्विक बोलकर, उससे आप चेक कर सकते हो फुटेज कैसा आ रहा है, ऑडियो कैसा है। बट मैंने उसमें देखा सारा जो मेरा मतलब जो मैंने मोटो ब्लॉग किया है, सिर्फ रोड दिख रहा है, ऊपर का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ये एक दिक्कत है। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जा रहा है कि हाँ अभी मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से क्या ठीक करना है। इतना मुश्किल से पहली बार मोटो ब्लॉग किया था, वो भी पोपट हो गया, वो सारा सिर्फ रोड ही आया है। कोई नहीं, अभी मैं ये वाला पार्ट आया था, वही तो सिर्फ ये और नीचे का सिर्फ दिख रहा है। तो बेलूर मठ से तो हम लोग निकल गए, उसके बाद से रंगोली मॉल चले गए थे, कुछ सामान भी लेना था जो कि ऑलरेडी मैंने लेकर डिक्की में रख दिया है। अभी आ गए हैं पेट्रोल लेने के लिए। और हाँ बाबा, हम लोग कौन सा पेट्रोल लेते हैं? पावर वाला XP 95। वो तुम्हारा इंडियन ऑयल का XP है, नहीं तो उसका सुपर होता है। अच्छा, पावर जिसको बोलते हैं। नॉर्मल वाला हो गया तुम्हारा। हाँ जी, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हाथी बागान। और ये देख लो अमीनिया, अगर आपने मेरा दुर्गा पूजा वाला सीरीज देखा है तो आपको पता होगा हम लोग यहीं पे रुके थे रोल खाने के लिए। और बेसिकली मैं बता दूं, अगर आप कोलकाता आ रहे हो ना, अगर आपको ओरिजिनल वो पुराना कोलकाता का वाइब्स लेना है कि हाँ भाई पुराना कोलकाता वाला वो जगह सब कहाँ है, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं वो हाथ रिक्शा ट्राम लाइन ये सब कुछ दिखे, इस वाले जगह में आना, आपको वो पूरा वो ओरिजिनल कोलकाता का वाइब्स आएगा। वैसे तो आप लोग इतना सारा गली क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन देख लो यहाँ पे गली क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। अभी बहुत भयानक तरीके से एक्सीडेंट होते होते बच्चा, देखो हम लोग अपना नॉर्मली जा रहे थे, वो बस वाला राइट से आ रहा, अचानक लेफ्ट चाप दिया। अगर कंट्रोल नहीं हो पाता ना तो अभी तक देखो अभी हम लोगों ने कोलकाता पुलिस से तो कंप्लेन करा है। तुम तो हमारे मेरे दीते भूल है ना, भूल हो जान चले जाए बोलो की करो बोलो, ये कोई सुनने वाला नहीं है, मेरा कैमरा देख के गायब हो गया वो। ना ये वाला फुटेज डालना मोहित, ये ऐसा मत छोड़ना, जान चला जाए कान पकड़ लेंगे, माफी हो गया। हाँ जी, तो अभी हम लोग काकुड़गाछी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे लाइन से स्ट्रीट फूड स्टॉल सब है। यहाँ अभी हम लोगों ने ले लिया है वेज मोमो, वेज का ही ऑप्शन है ना ज्यादा, यहाँ तो सिर्फ खाने का ही ऑप्शन है। बड़ा पाव है। हाँ जी, तो अभी हम लोगों ने चिल्ला ले लिया है। और एक चीज काफी अच्छा लगा ना, यहाँ पे हर कोई ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया भी पेमेंट हुआ, एक बार भी बोला नहीं कि नहीं भैया इतना कम कैश दे दीजिए, सब ले रहे हैं। देख लो यहाँ से लाइन से स्ट्रीट फूड का ऑप्शन है। हाँ जी, तो चलो अब यहाँ से बाइक घर तक मैं चलाऊंगा। वापस से मैंने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप लगा लिया है। जय माता दी। उस टाइम जो मैंने सेटअप बनाया था, पता नहीं उस टाइम तो मतलब जो एंगल था वो नीचे की तरफ था, अभी होप कि सामने का दिख रहा हो। मेरा लड़का आपको बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू अंकल जी, कैसे हैं? नमस्ते। तो गिफ्ट तो रख के रखा आपका सामान। अरे अरे, ये सब के लिए प्लीज, ये सब के लिए नहीं भाई, ईद का गिफ्ट है भाई, इसको ना मत करो। थैंक यू सो मच। एकदम परेशान है आपसे मिलने के। चलो आप ब्लॉग में भी हो, हेलो कर दो। बहुत बड़ा फैन है। थैंक यू भाई आपको छोड़ता नहीं। आते तो बोल दीजिएगा पढ़ना। हाँ, वो मम्मी ब्लॉग में देख रही है। ठीक है। आप लोग इतना प्यार करने वाले, हर जगह मिल जाते हो। अभी ये जो मैंने मोटो ब्लॉग का सेटअप बना के रखा है ना, तब ये सब चीज रिकॉर्ड हो जा रहा है। बहुत बार तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता ना, बहुत लोग मिलता है, बहुत आदमी मिलता है, वो कैप्चर नहीं हो पाता। अभी पता नहीं बारिश भी हो रहा है हल्का। ये जो मैंने मीडिया मोड लगा के रखा है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। होप कि अभी जो व्यू है वो आ रहा हो प्रॉपर, जो व्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैंने अल्ट्रा वाइड करके रखा है, उस समय नॉर्मल वाइड एंगल में था। भाई साहब बारिश वापस से तेज हो गया, क्या करूँ, गोप्रो रख लूँ क्या अंदर? हाँ, Oh,
रहे। भाई साहब बारिश बहुत तेज स्टार्ट हो गया। इतना झोड़ बारिश होने लगा, हम लोग बचते बचाते किसी एक अपार्टमेंट के मेन गेट पे खड़े हैं, लकोटिया सलकिया लकोटी के सामने। भाई देखो हमारा स्कूटी तो मतलब जब से आया है भीगे ही जा रहा है, भीगे ही जा रहा है बरसात के मौसम में। बोलता है ना मोहित, तुम इतना कंप्लेन करते हो ना बारिश का, लो भीगो मजा लो। हम बोल रहे ना मोहित, चलो निकल चलता है, इसको अंदर घुसा दो। वो जो बारिश हो रहा था ना, वो बारिश रुकने वाला बारिश नहीं था, इसलिए हम लोगों को मजबूरी में निकलना पड़ा और हम दोनों एकदम बुरे तरीके से भीग चुके थे। और जो मेरा गोप्रो सेटअप है ना, मतलब वो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, वो अभी फुल्ली वाटर प्रूफ टाइप का सेटअप नहीं है अभी, क्योंकि मीडिया मोड लगाने के बाद वो वाटर प्रूफ नहीं रह जाता। तो पता नहीं, थोड़ा यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखना पड़ेगा, नॉर्मल बारिश वो मीडिया मोड झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा, मुझे उतना आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने उसको खोलकर अंदर रख लिया और फटाक से घर आ गया। अभी फिलहाल ऐसा है कि बारिश में हम लोग चैन का नहीं सो पाते हैं, नहीं तो हमेशा टेंशन रहता था कि पता नहीं बारिश का पानी कहाँ से आएगा, ऊपर से पानी टपकना ना स्टार्ट हो जाए, बहुत टाइप का टेंशन रहता था। खैर कोई नहीं, फिलहाल हम लोग सही सलामत आ गए हैं, नहीं तो रात में बहुत तेज हवा भी चल रहा था। खैर ये वाले वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करते, अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो, ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Sarah, sarah, sarah.